हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट मंडी वाला, आज फिर से आपके सामने हूँ। और मेरे साथ आज मेरा बेटा, और मैं आया हूँ आज अपने ससुराल पैड़ी में। तो मैं आज यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। बस यहाँ घर से कुछ ही दूरी पे धान के खेत है, जो कि जब मैं आया था तो मैंने ये वाला खेत बोया था, इसमें मैंने बीजे थे धान। और देखो आज कुछ टाइम के बाद इतने सारे धान लगे हुए हैं। घर के आंगन में एक आम का पेड़, अमरूद का और एक खीरे की बेल लगी हुई है, और ये मेरी वाइफ को अमरूद खा रही है। मुझे भी दो, एक दो। और खीरा दे दे थोड़ा, अरे खीरा भी लगा हुआ है। आम का पेड़, रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये कौन है? शरारती तत्व। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसको देखो, ये अभी बाल सवारने में लगी हुई है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यहाँ दूर दूर तक देखो, दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, और इतना आसमान सुंदर दिख रहा है। कुछ ही देर के बाद यहाँ धूप निकलना शुरू हो जाएगी। और A few moments later, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज अपने ससुराल पैरी आया हूँ, तो यहाँ मैं आपको अलग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना कितना सुंदर, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है, मेरे नीचे खेत है। देखो मेरे ससुर जी केले के पत्ते लेके आते हुए चले फिर से, और ये गौशाला जहाँ पे दो भैंसे, गौशाला जहाँ पे दो भैंसे, एक गाय, एक बच्ची है। हेलो हेलो, अरे एक बकरी का बच्चा भी है वहाँ पे। हेलो, मजा आया। चलो बा, हम आपको आगे लेके चलते हैं। और ये मेरे साथ मेरा साला, ये भी मेरे साथ जा रहा है रोहित। ये देखो, ये पेड़, हरे भरे पेड़ और पौधे। A few moments later, ये जो हम आज आपको जगह दिखा रहे हैं, ये पैड़ी में है और बहुत ही सुंदर जगह है। देखो चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है, और सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। जो आपको कच्चा रोड दिख रहा है, टूटा फूटा रोड, ये अब PWD के अंदर आ चुका है। बहुत ही जल्दी यहाँ काम शुरू हो जाएगा, और बढ़िया पक्की छत मिलेगी आपको देखने में। ये देखिए पक्षी उड़ गया। चलो तो अब यहाँ पर इन रास्तों का एंजॉय लेते हुए चलिए, और हम मिलते हैं आपको थोड़े से आगे। मजा आया। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गांव में एक पानी का सोर्स है, जिसको हम पानी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा पानी, शुद्ध पानी वहाँ पीने को मिलता है। तो हम पहले वहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव जो भी है वहीं से पानी भरता है, जो कि 3-4 किलोमीटर दूर है लगभग उनके गाँव से। यहाँ से देखिए दो रास्ते जा रहे हैं, एक जो मैं आपको बता रहा था रिटी खड, वो इस रास्ते से है, और जो पानी का रास्ता है जहाँ पे पूरा गांव पानी भरने के लिए जाता है, वो इस रास्ते से जाते हैं। और ये वाला जो रास्ता है वो PWD के अंदर आया हुआ है। तो अभी हाल ही में इतनी बारिश हुई है कि देखिए आप आगे क्या हाल हुआ है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई है यहाँ पे, और पेड़ गिरा हुआ है। आजकल हर जगह बस यही चला हुआ है, लैंड स्लाइडिंग लैंड स्लाइडिंग। जहाँ देखो पहाड़ गिर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। देखिए यहाँ कितना अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है,
पूरे गांव में जितने इतने ही घर हैं इस एरिया में, जहाँ तक मेरी दो दो तकनी जा रही है, और सामने से दो दो तकनी दो दो पहाड़ हैं, ऊपर आसमान नीला एकदम साफ हो गया है, और आगे रोहित जाता हुआ ये मुझे रास्ता बता रहा है जब पानी तक जाने का, क्योंकि मैं पहली बार इस साइड जा रहा हूँ, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है हमें। घर जो पुराने समय में हम ऐसे ही मिट्टी वाले मिट्टी अचार वाले घर में रहते थे, आजकल का जो सीमेंट बजरियों का घर बने हुए हैं। तो देखिए जहाँ मैं आपको लेके आने वाला था, ये जगह बस बिल्कुल पास में ही है, हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। तो इतने दूर इस गांव के लोग पानी भरने के लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छा स्वच्छ और साफ पानी मिलता है यहाँ पे, और नहाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा इतना अच्छा है, और ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रोहित कहाँ लेके आ गया मुझे घूमने के लिए? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। A few moments later, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम। वो गंदा पानी नहीं आए। फिर से वापस मुड़ते हुए, क्योंकि लगता है रास्ता आगे बंद है, तो हमें ऊपर की तरफ से होके जाना पड़ेगा। रोहित यार सीधे सीधे रास्ते लेके चलो ना। ये देखिए रोहित हमें खरपतवार के बारे में बता रहा है, ये जो घास है बिना बीज के अपने आप ही उग जाती है, और देखो कितने घने हैं ये सारी चीजें, खरपतवार ही है जो बिना बीज के उग जाती है, और पशुओं के चलने के काम आती है। देखो ये पशुओं का खाना ही है, एक किस्म का पशु को खिलाया जाता है। मजा आया। बस बहुत ही जल्दी हम पानी तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन इधर तो रास्ता ही नहीं है आगे को। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रोहित रास्ता कहाँ है? यहाँ से होके जाना है पत्थरों के ऊपर से। चलो फिर देखते हैं, अब इनको तो हमने बोल दिया अभी वहाँ लेके जाना है इनको, तो फिर चलो यहीं से चलो, दिखाना तो पड़ेगा ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। ये देखो गाइस हम कहाँ से आए, उधर से टर्न होके और ये बाया बाया होके पत्थरों के ऊपर से होके हम यहाँ पहुँचे हैं, और जो लोग है डेली जो रोज वहाँ से होते हुए इधर आते हैं, और देखो बस थोड़े ही जो नज़दीक है पानी का सोर्स है, पर ऊपर से बारिश भी होने वाली है, बहुत ही जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम तो बुरे फंसे। चलो रोहित चल, कहाँ से लेके जा रहा है ये जो रास्ता, इधर आगे नहीं है, आगे से नहीं है रास्ता, ये है अरे वाला रास्ता नहीं है, आगे से नहीं है रास्ता। चल फिर हाँ, अरे देखो ये हाँ? चल 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 फटाफट घर जब घूमने आ रहे हैं ट्रैकिंग पे, हम लोग ट्रैकिंग पे। तो देखिए रोहित आगे आगे बढ़ता हुआ, पर रोहित रास्ता तो ठीक है ना, ऐसा नहीं कहीं और ही निकले हम, आराम से तो आएंगे भैया। चलो लो। A few moments later, वो पानी वो लोग इसी रास्ते लेके जाते हैं। चलो भाई रोहित चलो, ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, ऊपर से चार्जिंग भी नहीं है फोन में, अब तो चार्जिंग ही नहीं है, फोन बंद होने वाला है। तो देखो गांव के लोग इतने मुश्किल रास्ते से बारिश के टाइम, चलो चलो आगे चलो फटाफट, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, कहाँ है, पहुँच गए भाई, बहुत जंगलों में है रास्ता तो। अरे बाप रे,
अच्छा यहाँ से लेके जाते हैं, ये देखिए ठंडा पानी, जो गांव के लोग हैं यहाँ से पानी भरते हैं, और कहा जाता है कि बहुत ही पुराना और सोर्स है, और प्राकृतिक पुराना सोर्स है जो बहुत ही शुद्ध पानी हमें देता है। और देखिए यहाँ से कितना अद्भुत नज़ारा, देखिए चील के पेड़ और पहाड़, साथ में रोहित पंप हाउस भी है यहाँ पे, कहाँ बहुत दूर है। तो देखिए लोग इतने दूर पानी भरने के लिए आते हैं, वो भी रोज सुबह और शाम। फोटोशूट भी करेंगे हम, इस्तेमाल करते हैं इतने दूर आए और फोटोशूट नहीं करेंगे। तो देखिए इस पानी के लिए लोग कितने किलोमीटर दूर तक आते हैं। ये रास्ता भी था यहाँ से, अब यहाँ से जाना है वारे, यहाँ से कहाँ जाना, ठीक है नीचे से चलते हैं कहीं है? ये तो कितना दूर है पंप हाउस, अरे चलो चल आगे चल, आगे चलना आगे चल, अब रास्ता नहीं पता। देखो गिर गया था, स्लिप हो गया था, चलो बताओ। रुको जरा सबर करो, बोला ओए चप्पले डाल के आए थे भाई, चप्पले डाल के आए हम, चलो 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 आगे चलो, अब ट्रैकिंग पे आए हैं तो बूट वगैरह डालने चाहिए थे हम। रुक यार, कीड़े वगैरह तो नहीं है, है? कीड़े वगैरह तो नहीं है, चलो ओ गिरना मत, चलो चलो चलो। तो देखिए हम जंगलों से होते हुए मैं और रोहित आपको यहाँ पे ना एक पंप हाउस भी है तो उसको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो लगता है रोहित गलत रास्ते ले आया, अरे तो यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं, वही देखो ना कांटे चुभ रहे हैं। yeah! Yeah! अभी देखिए कितना घना रास्ता है, और रास्ता भी नहीं दिख रहा है इतना घना है, और कांटे भी साथ में हैं, और हम आपको पंप हाउस दिखाने निकले हैं। ऊपर से बरसात का मौसम और बारिश भी होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है, बस जल्दी हम पंप हाउस पहुंच जाएंगे। ये देखिए पर रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है, चल 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 जल्दी टाइम नहीं है, बारिश होने वाली है। ओए कांटे 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 कांटे, मजा आया। ये पंप हाउस कब बनाए, चलो ऊपर चलो ऊपर, चल 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 जल्दी, पानी को साफ सुथरा रखे। और ये है पैड़ी नकने का पंप हाउस, हम यहाँ पहुंच चुके हैं, देखो